अनीशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकती? और कौन सा तमाशा जो देखने के लिए बाकी रह गया? अनीशा मैं कह तो रहा हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एंड आई एम रियली रियली सॉरी अनीशा। सॉरी? किसी को अंधी खाई में मरने के लिए छोड़ दे, अगर वो बच जाए तो उसे सॉरी बोल देना। तुम्हारी एक सॉरी मेरा खोया हुआ एतमाद वापस ला सकती है, मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, मेरा वो मुराद वापस कर सकती है जो सिर्फ मेरा तो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। लेकिन नहीं, तुम तो वो मुराद ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मामूली से घटिया से इंसान, और मैं ऐसे शख्स के साथ कभी नहीं रहूंगी। क्या बोला तुमने? मैं घटिया हूँ? लिसन टू मी, मैं दुनिया का वाहिद शौहर नहीं हूँ जिसने ये किया है। बाहर निकल के देखो, हर दूसरा शौहर अपनी बीवी को चीट कर रहा होता है और अपनी बीवी को पता भी नहीं चलने देता। मुझे फंसाया गया था इस पूरी बात के अंदर। मेरे बारे में भी तो सोचो, तुमने कभी सोचा मैं कितना टूट गया था? तुम टूटी मैं हूँ मुराद, मैं टूटी हूँ। तुम्हारा बच्चा, उसकी माँ तुम्हारे सामने है। तुम नहीं टूटे, मैं टूटी हूँ। तुमने वो सारी कसमें, सारे वादे, सब कुछ तोड़ दिया। हमारा साथ कब टूटा तुमने पता ही नहीं लगने दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अनीशा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बता रहा था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था अनीशा, बस और कोई वजह नहीं थी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। मुराद खो तो तुमने मुझे उसी दिन दिया था जिससे तुम उसके करीब हो। अनीशा मेरी बात सुनो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हाथ छोड़ो मेरा। अनीशा मेरी बात सुनो प्लीज। अनीशा एक बार मेरी बात तो सुनो। अनीशा लिसन टू मी। अनीशा हम बात कर सकते हैं आराम से। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मत जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनीशा मैं कह रहा हूँ ना, 16 सफाई कर लेते हैं, इस बात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। क्या मैंने कहा? हाथ छोड़ो। और खबरदार मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। समझ नहीं आ रही तुम्हें ये बात? सब खत्म कर दिया तुमने, सब कुछ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। और खबरदार मुझे अब रोकने की कोशिश की। साद ने बहू से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। किस मुंह से कहूं कि घर छोड़ करना चाहिए? औरत हो या मर्द, कोई भी रिश्ते में बेवफाई बर्दाश्त नहीं करता। मेरे दोनों बेटों की खुशियों को वो सफाक लड़की निकल गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी तक इस घर में है क्यों? कोई उसको निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देता? तुम्हारे बेटे इतने दिनों में कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे? मुझे तो अब तुम्हारी बात पर यकीन होने लगा है कि मुराद और उस लड़की के दरमियान अब भी कुछ है। नहीं मुनस, मुराद के आंसू झूठे नहीं थे। उसने बहुत अनीशा को समझाया, रोका, मुझे उसके चेहरे पर दर्द महसूस हुआ है। पता नहीं ये हालात कैसे और क्यों बने। मुराद को इस पर बहुत पछतावा है। अब पछताने का क्या फायदा है? उसकी शादीशुदा जिंदगी दांव पे लगी है। कैसे डिफेंड करेगा जबकि वो अपनी गलती मान चुका है? अनीशा के जाने का जितना दुख मुराद को है ना, एतबार टूटने का दुख उससे ज्यादा साथ को है। ये सब क्या हो गया है? किसकी नजर लग गई है मेरे घर को? अनीशा, क्या हुआ है अनीशा? बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? कोई मुराद से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ये जब से आई है इस तरीके से ही रो रही है। बार बार पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रही, बताने को तैयार ही नहीं है। आप प्लीज मुराद को फोन करें ना, पूछे क्या बात है, सब खैरियत तो है। कोई जरूरत नहीं उसको फोन करने की या कुछ भी पूछने की। मैं वो घर छोड़ आई हूँ हमेशा के लिए। चीट किया मुराद ने मुझे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। क्या है मुराद तुम? कैसे? बताओ तुझे हुआ क्या है यार प्लीज। मुराद, रूही के बच्चे रेहान का बाप है। मुराद, क्या वो लोग मुझे धोखा देकर मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। मुझे पता ही नहीं मैं समझी थी रिहान को अडॉप्ट करने का फैसला मेरा है। दोनों मुझे धोखा देते रहे, मेरे जज्बात से खेलते रहे। मजाक बना दिया मेरा। मुराद की रूही से नफरत सिर्फ एक दिखावा था और कुछ जो साथ के बाद हसद बन गई। ये सच है तो मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट फौजी, इस वक्त आप बहुत गुस्से में और ये मामला बहुत हसास है। ऐसे फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते, इस बात का इतनी जल्दी फैसला हो भी नहीं सकता। जी, अनीशा इस वक्त बहुत अपसेट है। वो गुस्से में मुराद का घर छोड़कर आई है। मुराद से अलग होना चाहती है, लेकिन हो सकता है कुछ देर में वो ऐसा ना चाहे। हाथ से दूर होने का अनीशा का फैसला नहीं हो सकता। ये सिर्फ रूही पर गुस्से का रिएक्शन है। रूही एक अजनबी है, अजनबियों से ताल्लुक बनते हैं, रिश्ते नहीं। अनीशा मुराद की बीवी है, समझे इस बात को। एक औरत होके तुम ये सब मुझसे कह रही हो? अगर यही गलती मुराद की जगह मुझसे हो जाती तो क्या तुम मुझे माफ कर देती? हाँ, मैं नहीं करती आपको माफ, लेकिन वजी जब मियाँ बीवी का रिश्ता टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान एक औरत का ही होता है। अनीशा एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही, उसको थोड़ा रिलैक्स होने का मौका दे। सबको बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों को और मत बढ़ाएं वजी। इस वक्त ये यही है हमारे पास। हम मुराद से बैठकर बात कर सकते हैं, इस मामले का कोई हल निकाल सकते हैं। प्लीज वजी, प्लीज। देर से आप रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे रंग नहीं भरे जा रहे। हालांकि ये तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि तुम हो इतनी हसीन। तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये तमाम रंग मान पड़ जाते हैं। आपको जो रंग मेरी जिंदगी में नजर आ रहे हैं वो रंग आपके ही दिए हैं। आपकी मोहब्बत के रंग के आगे हर रंग फीका है। अच्छा, कभी कभी तुम्हारी कमी इतनी महसूस होती है कि तना महसूस करती। मैं तो हमेशा आपके पास हूँ। फिर आपके दिल में ऐसी कौन सी बात आई है जिससे आपको लगा कि आप तन्हा हैं? अनीशा, एक डर है दिल में कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, और कुछ नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारा रिश्ता तो जिंदगी भर का है ना। आज तो हो गई है, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। चल गया ना हाथ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मैं खुश रहूंगी तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो अनीशा भी खुश रहेंगी। सोचें तो, आप चाहते हैं कि वो आपसे रूठकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए? अनीशा प्लीज मेरी बात। मर गई अनीशा, तुमने अपने हाथों से मारा अनीशा को। मेरा एतमाद, मेरा भरोसा सब छीन लिया तुमने मुझसे। क्यों किया मुराद तुमने? सोचते हुए मुझे शर्म आ रही है रूही के साथ। क्या गलती थी मेरी कि तुम पर भरोसा किया था? अगर दुनिया में अपने शौहर पर भरोसा न करती तो किस में करती भरोसा मुराद? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनीशा मैं कह रहा हूँ ना, सोलह सफाई कर लेते हैं, इस बात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। क्या मैंने कहा? हाथ छोड़ो और खबरदार मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। समझ नहीं आ रही तुम्हें ये बात? सब खत्म कर दिया तुमने, सब कुछ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। और खबरदार, खबरदार मुझे अब रोकने की कोशिश की। कितने ख्वाहिशे हैं मेरी, छीन लेंगे दुनिया तेरी। भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं भी घर जा रहा हूँ, आप भी फौरन पहुंचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेहान को मेरे कमरे से यहाँ लाने की? हिम्मत से नहीं, हक से लेकर आई। छोटा बच्चा है, अपनी माँ के पास नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? तुम तो कहती हो कि ये मुराद का बच्चा है, तो फिर इस पर तुम्हारा कैसे हक हुआ? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। ये आपका घर नहीं है, ये इसके बाप का घर है, मुराद का। और जहां बच्चा रहेगा वहीं माँ रहेगी ना। बच्चे के बहाने इस घर पे राज करने का ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो। इस घर की असल मालिक अनीशा है, समझी तुम? जो तुम पर रहम खाकर तुम्हें इस घर में लेकर आई, और तुम इतनी एहसान फरामोश हो कि उसकी जगह लेने के ख्वाब देख रही हो। आपको लगता है मैं अभी भी ख्वाब देख रही हूँ? रेहान को देखे जीता जागता सबूत है कि मैं तो अनीशा की जगह ले चुकी हूँ। तुम बहुत ही बेशर्म। इज्जतदारों को गालियां जेब नहीं देती। और अपने बेटे को समझाने के बजाय कि वो मुझसे निकाह कर ले, इस थप्पड़ से मेरा मुंह बंद करवाना चाहती हैं आप। भूल जाओ कि साथ तुमसे शादी करेगा, तुम्हारा साया भी ना मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगी। साथ की बात कौन कर रहा है? मैं तो मुन्ने के जायज बाप की बात कर रही हूँ, मुराद की बात कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत! आपने मेरी जुर्रत भी देख ली और मेरी हिम्मत भी। मेरी ताकत देखना बाकी है, वो भी जल्द दिखा दूंगी। जूस पी लेना, दिमाग गर्म हो गया होगा। सब पागल है यहाँ पे, है ना सब। अपने आंसू मुझ जैसे घटिया शख्स पर क्यों जाहिर कर रही हो? मैं तो इनके लायक ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं रूही? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादती हुई, लेकिन मैं इसका कोई हल नहीं निकाल सकता। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपना रिश्ता बचाना चाहता हूं बस। और तुमसे भी यही दरख्वास्त है, किसी तरह इस बात को छुपा दो, मेरी जिंदगी आसान कर दो प्लीज। तुम जानती हो साद और रेहान मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे। साद जिंदगी में एक ऐसा फैसला ले रहा है जिसके बाद वो बहुत तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानता हूं मैं जो मर्जी कर लूं साद अपना फैसला नहीं बदलेगा। तो किस बात का है कि इस फैसले के नतीजे में उसे बहुत दर्द मिलेगा। तो और कुछ नहीं, कम से कम अफसोस तो कर सकते। क्यों छुपाया मुझसे? हाथ तुम्हारी औलाद ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ रूही? कोई अच्छाई का बदला इस तरह से देता है? किसी का घर उजाड़ के, किसी का शोर छीन के, किसी का भरोसा तोड़कर, अपने जमीर की नफी करके खुदा को क्या मुंह दिखाओगे तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूं, देखो मेरी तरफ। औरत नहीं हो तुम, औरत के नाम पर धब्बा हो। अपने शोहर के बारे में क्या ख्याल है? दूसरी औरत घर बर्बाद नहीं करती बल्कि मर्द का दिल आबाद करती है, जो तुम तो कर नहीं सकी। अपने शौहर की खुद तुमसे हिफाजत हुई नहीं और इल्जाम मुझे दे रही हो। तुम जैसी बीवियां ना यही करती हैं, अपना शौहर संभाला नहीं जाता और इल्जाम दूसरी औरत को दे देती हैं। बड़े आए मुझे बातें सुनाने वाले, बाहर में जाओ। अनीशा, अनीशा, आप खाना खा लो। पता नहीं रेहान ने खाना खाया होगा कि नहीं। मेरी फिक्र मत करो, भूख नहीं है मुझे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इनफैक्ट शायद उससे भी पहले से। कब तक भूखी रहोगी? अब कुछ महसूस ही नहीं होता। ना भूख ना प्यास। अजीब सा खालीपन। गहरी तन्हाई। पता है अनीशा, हम औरतों का प्रॉब्लम क्या है? हम शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अपने दिमाग में जो हमने मोहब्बत का खाका तैयार किया होता है ना, अगर वो टूट जाए तो अंदर ही अंदर एक तबाही सी आ जाती है, एक बहुत बड़ा तूफान सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के ना होने से हमारे इर्द गिर्द की जिंदगी रुक जाती है, पर सारी रौनकें, खुशियां सब वही होती हैं। लेकिन वो रौनकें और खुशियां तभी महसूस होती हैं जब उस शख्स के साथ हो जिसे हम अपने दिल की गहराइयों से बहुत चाहते हो। तुम सच मानो या ना मानो, पर तुम मुराद को मिस कर रही हो। मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती, लेकिन बात तो उसी की है। खाना लगाया आज।